भाइयों तथा सुशील बहनों, कल हमने देखा था कलंक यानी अभ्याख्यान और आज नंबर है पैशून्य यानी चुगली। चुगली का मतलब जो चीज़ जो गुप्त बात थी वो हमने देखी या सुनी, किसी की गुप्त बात को देखा या सुना और उसको दूसरी जगह जा कर के बोल दिया, उसका सीक्रेट था और हमने वो किसी के सामने ओपन कर दिया, उसका नाम क्या होता है? चुगली होता है। ऐसी चुगली करते करने वाले लोग क्या करते हैं? उल्टी को सीधी करे, सीधी दे उल्टा है। उल्टी को सीधी करे, सीधी दे उल्टा है। करे बुरे जो हसत हसत, करे बुरी जो हसत हसत, सो नर चुगल कहाए। जो हंसते हंसते लोगों को आग लगा देता है, इतनी सी तिल्ली फेंक देता है, इतनी सी आग लगा देता है, सामने वाले की ज़िंदगी में उसका भड़का हो जाता है। तो हमारी इतनी सी आग सामने वाले के यहाँ इतनी परेशान करने वाली बात बन जाती है, वो हमारा चुगली का जो स्वभाव है, वो चुगली की जो आदत है, हमको आत्मदर्शन नहीं होने देती। उसके कारण दर्शनावरणीय कर्म का बंद होता है, दर्शन होता ही नहीं। लाख ध्यान कराओ हमारा साहब, नहीं तो कुछ भी करो, हमको तो अंदर में कुछ दिखता है नहीं, अंदर का आनंद आता नहीं, अंदर में टिकने की भावना होती नहीं, क्योंकि हमारे ही कर्म हमारे आड़े आते हैं और हमारे ही कर्म हमको अंदर में नहीं जाने देते, घर का स्पर्श नहीं होने देते, आत्मा की अनुभूति नहीं होने देते। इतनी सी गलती है, इतनी सी आपने गलती करी, सामने वाले की जिंदगी में आग लगी। इतनी सी गलती मैंने करी, मेरे जिंदगी में आग लग गई। ऐसे छोटी छोटी बातें होती है पर बड़े बड़े उनके रिजल्ट होते हैं। इसके लिए ज्ञानियों ने कहा, चाहे जितना देखो सुनो पर इधर की उधर करो मत। घर के घर में भी, घर के घर में भी पीठ के पीछे किसी की बातें करना यानी दर्शनावरणी कर्म का बंद करना है। आपको हिम्मत नहीं है उसके सामने बोलने की तो चुप रहो, किंतु उसकी पीठ के पीछे निंदा मत करो, पीठ के पीछे बातें मत करो और इधर की उधर मत लगाओ। वो ऐसा कह रही थी, वो वैसा कह रहा था, इतनी सी बात से सामने वाले की ज़िंदगी में आग लग जाती है। भगवानों कहते हैं, जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, उसको खाया हुआ पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है। इस तरह से सुना हुआ हमको नहीं पचा, देखा हुआ हमको नहीं पचा, हमने उसकी क्या कर दी? उल्टी कर दी। यानी हम कौन हैं? बीमार हो गए कि नहीं? हम बीमार हैं क्या? हमें तो स्वस्थ रहना है, हमें निर्मल रहना है, स्वच्छ रहना है और स्वस्थ रहना है। इसके लिए हमारी गलत बातों को हमको वहीं के वहीं रोक देना, ये हमारा परम कर्तव्य है। हमारे अनंत करुणावंत भगवंत ने ये मार्ग हमारे लिए बताया है। ये एक एक सोने की डिब्बी है, एक एक हीरा है, इसको अगर खोले, इसकी कीमत करे तो इतनी ज़्यादा कीमत होने वाली है। इतनी सी गलती से बचेंगे तो इतना बड़ा लाभ होने वाला है। एक बार अंतर में उतरने की कला आ गई, एक बार आत्मा के दर्शन होने लग गए तो इतना ज़्यादा आनंद उसके अंदर से उछलता है कि वो आनंद कैसे पचाए, ऐसा सवाल पैदा हो जाता है। इतना आनंद अपने घर में होते हुए भी घर का आनंद तो मिलता नहीं है और बाहर में भी आनंदित मन होता नहीं है। ये चिंता, वो टेंशन, वो टेंशन, उसने वो बोला, उसने वो किया, इसी में हम उलझे रहते हैं। भगवानों, ज्ञानी लोग कहते हैं, ये सारी कांटे तुझे क्यों चुभते हैं? क्योंकि तूने आत्मा के दर्शन नहीं किए, इसके लिए ये कांटे चुभते हैं। कवि ने कहा है, काट्यावरी झोपू न हो तो फूल शैयालावली संसार आशा वीरवनारी भोग स्वप्न संपली मुक्ति अशी ही लाभता ब्रह्माच झालो आदमी बेहोशमी माधान उरयो आदमी। इस तरह से आदमी
जब अंतर में उतरता है तो बाहर के दुनिया की बेहोशी उसको आ जाती है। वो बोला तो क्या फ़र्क पड़ा, वो नहीं बोला तो क्या फ़र्क पड़ा, उसने वस्तु दी तो क्या फ़र्क पड़ा, नहीं दी तो क्या फ़र्क पड़ा। इस तरह से अपने आप अंतर में उसके आनंद का खजाना बढ़ता जाता है और बाहर की बातें छूटती जाती है, बाहर की बातों में वो बेहोश होता है। इसके लिए हमारे यहाँ पर, हमारे महाराष्ट्र में खास तौर पर परंपरा है कीर्तन की। कीर्तन को जाना नर्तन से बचने के लिए। कीर्तन का उल्टा क्या होता है? नर्तन। नर्तकी का नाच देखने के लिए जाना, ये अपने आप में बहुत नीचे उतरने की बात है, और कीर्तन में जाना यानी बहुत ऊपर चढ़ने की बात है। हमारे किसान लोग खेती में से थक के आ जाते हैं, भरपूर काम करके आते हैं, और घर आने के बाद कोई कहे कि आज बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है, नाचने वाली औरतें आई है तो, और दूसरी तरफ बहुत बड़े हबप हरिभक्त परायण ऐसे कीर्तनकार महाराज आए हैं। जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नाच के कार्यक्रम में ना जाते हुए कहा जाते हैं कीर्तन में जाते हैं। कीर्तन में जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योग की साधना का अवसर होता है। तेरा ही तेरे पास है, खाली उसकी चाबी तुझको मिलती नहीं है, और वो कीर्तन करने से कभी कभी एड़ी को धक्का लगने से वहाँ उसकी चाबी होती है, और वो चाबी बराबर पॉइंट पे लग जाए और वहाँ की शक्ति ऊपर चढ़ने लग जाए तो मनुष्य जीवन सफल सफल और सफल हो जाता है। इस तरह से हमें चाहिए, एक तरफ वचन के द्वारा पाप भी इकट्ठा किया जा सकता है, किसी की चुगली करने से, किसी पे कलंक लगाने से क्या होता है, पाप का संग्रह होता है, और दूसरी तरफ हमने अच्छे काम अपनी जुबान से किए तो पुण्य का खजाना भी इकट्ठा हो सकता है। कहते हैं शब्द संहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, शब्द संहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव। एक शब्द हमारे मुंह से ऐसा निकलता है कि सामने वाले को लगता है मेरे ऊपर मरहम पट्टी करती है, और एक शब्द ऐसा बोलते हैं हम सामने वाले को तीर जाके ऐसा चुभता है, शरीर के जख्म तो भूल जाता है पर शब्दों के जख्म वो भूल नहीं सकता। भगवानों कहा है कि अंधे को जितनी लाठी की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा बोलने वाले को बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि से कहाँ कैसा बोलना ये बुद्धि से ही निश्चय किया जा सकता है कि ये बात मैंने देखी है, ये बात सुनी है, पर ये तो नीचे उतार देना है, इसको पचा लेना है, इधर के उधर नहीं करनी है, वही बुद्धि कहती है। और वही बुद्धि कहती है कि आज प्रसंग आया है, अच्छा बोलकर सामने वाले का मन प्रसन्न कर दे। हम चाहे तो सामने वाले का मन प्रसन्न भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो सामने वाले को जख्मी भी कर सकते हैं। भगवानों हमें चाहिए कि हम बोलने का ध्यान रखें और बोलने पर बुद्धि का अंकुश लगाए, बुद्धि के अंकुश से अपने शब्द को जैसा चाहे वैसे ही बाहर निकालने का प्रयत्न करने। और साधु के लिए तो और ज़्यादा कठोर नियम है, साधु तो 17 घरों की भिक्षा लेता है, कितने घरों में वो जाता है, कितने लोगों से उसका परिचय होता है, कितने लोग महाराज साहब को अपना समझते हैं, अत्यंत प्रेम के साथ अपने घर की रोटी उनको बहराते हैं, और साधु को तो कितनी बातें देखने को मिलती है, पर साधु कैसा चाहिए कि जियो भी बात देखे समाज की, अंदर में उतार ले, तुम्हारी सासू तो ऐसा बोल रही थी और तुम्हारी बहू तो ऐसी बोल रही थी, ऐसे तो रोज का महाभारत खड़ा कर सकता है साधु। पर साधु को कहा है तू साधु है और तुझे सारी बातों को
बचाना पड़ेगा। और साधु साधना करता है जिस दिन से कपड़े पहने उस दिन से अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की साधना उसकी होने के कारण उसके अंदर एक प्रकार की शक्ति निर्माण होने लगती है और उस शक्ति का अनेक प्रकार से उसको अनुभव आने लगता है कि मैं बोलता हूँ तो सच होता है, मैंने सहज में वो बात कही सामने वाले की जिंदगी में वो फल गई, मैंने सहज में उनको मंत्र दिया और सामने वाले को वो लकी सिद्ध हो गया, ऐसी कई बातें होती है। तो भी साधु को उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसकी दुकानदारी नहीं करनी चाहिए और उसकी जालसाजी भी नहीं करनी चाहिए। साधु को तो कई बातें समझे तो भी अंदर में पचाने की आदत चाहिए। एक बार महाराज साहब गांव में पधारे थे और उस गांव में उनका रहने का योग आ गया, 10-12 दिन रहे होंगे, लोगों के घर भिक्षा लेने के लिए जाते और भिक्षा के कारण सारी बातें घर की बात तुरंत आ जाती है, घर किस ढंग का है, कौन से वाइब्रेशन है, इस घर में कटकट के वाइब्रेशन है, शांति के वाइब्रेशन है, धर्म ध्यान के वाइब्रेशन है या पाप के वाइब्रेशन है, तुरंत ध्यान में आता है। पर साधु सारी बातों को सहन करता, वो 2 मिनट रुकना तो वहाँ से निकल जाना। ऐसे वो गोचरी में जाते थे, एक घर में गए, एक भाई साहब का चेहरा बहुत उतरा हुआ था। साधु ने पूछा, आज आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है, क्या बात है? बोले, महाराज साहब कुछ नहीं, बात ऐसी है। नहीं नहीं कोई बात है, आपको कोई चिंता है जरूर बताइए, कोई बात है। उसने कहा, साहब मेरे साहब को परदेश गए 12 साल हो गए हैं, आ जाऊँ कल आऊँ रोज मैं रहा देखती हूँ पर आज तक आए नहीं है, अब मेरा मन बहुत ज़्यादा उचट गया है, एकदम उल्टे सीधे विचार आने लग गए हैं, कहीं वो उधर ही रह गए हैं या उधर उन्होंने दूसरा घर बसा लिया है, पता नहीं क्या हो गया है, तो उल्टे उल्टे विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अब मारा साहब तो मारा साहब ही थे, उन्होंने 1 मिनट आँख ढकी और उन्होंने कहा, भाई साहब चिंता मत करो, आपके साहब तो कल आ जाएंगे। उसको तो आनंद की सीमा नहीं रही। और दूसरे दिन साहब भोजन के समय देखो तो उनका घोड़ा, पुराने जमाने की बात है, घोड़ा उनका घर पे पहुंच गया और वे अंदर आए तो देखते हैं कि घर सारा झगमग कर रहा है और सेठानी तो ऐसी सच के बैठी है जैसे किसी के घर शादी में जाना है, ऐसी सच के बैठी है, कोई जरूर दाल में काला है, कोई इसको मिलने के लिए आने वाला होगा, तभी इसने इतनी सजावट की है, इतना घर सजाया है, कोई न कोई बात है। और आदमी का मन बहुत ज़्यादा संशय खोर होता है। तो उसने पूछा, आज इतनी सजावट क्यों करी, क्या बात हुई? बोले, आप आने वाले थे इसके लिए मैंने सारा किया। अरे मैं आने वाला था तो तुम्हें कोई अंतर्ज्ञान हो गया क्या? बोले, मुझे तो कैसे अंतर्ज्ञान होता, अपने गांव में मारा साहब पधारे हैं और मारा साहब ने मुझे बताया था कि कल तुम्हारे स्वामी पधारने वाले हैं, तो मैं तो अपने काम में लगी और आपके स्वागत के लिए तैयारी कर ली मैंने। तो उसने कहा, ये मारा साहब, शायद ये मारा साहब ही मेरे घर में घोटाला कर रहे हैं। उसने कहा, मारा साहब को बुलाओ। वो गई वहाँ पे और कहने लगी, मारा साहब मेरे स्वामी आपने कहे वैसे पधार गए हैं पर उनको ये बात सत्य नहीं लग रही है, आप कृपा करके एक बार फिर मेरे घर पधारो ना, कुछ तो कुछ ना कुछ बहर के पधार जाना। तो मारा साहब वह हाथ में पात्री लेकर के आए और उसको तो चढ़ा हुआ था क्रोध, उसके मन में डाउट भरा हुआ था। उसने कहा, क्यों मुनिराज, आप घर घर की पंचायत करते हो क्या? बोले, साहब क्या पंचायत करी, तुमने बताया ना कि मैं आज आने वाला हूँ, तुमको कोई अंतर्ज्ञान हो गया क्या? बोले, अंतर्ज्ञान तो नहीं हुआ है पर थोड़ी बहुत बातें ध्यान में आती है तो वो मैं बता देता हूँ। तो बताओ, मेरी ये घोड़ी गर्भवती है, इसको लड़का होगा या लड़की? उसने कहा, भैया इसके पेट में तो बेटा है। अब वो तो क्षत्रिय था, उसने तो आगे देखा न पीछा, अपने कमर में तलवार थी, तलवार लेकर के घोड़ी के पेट में खोप दी और देखते देखते बिचारी घोड़ी तो खून के
इसमें लटपट हो गई और उसके पेट से बच्चा निकला तो कौन था, वो लड़का ही था। और उसको इतना ज्यादा रोष आया कि तुम इतने ज्ञानी हो, औरों के पति कब आने वाले हैं और औरों के पति कहाँ रहे हैं, ये सारी पंचायत तुम करते हो, तुम्हारी ये बात सत्य हुई है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। महाराज साहब कहने लग गए, अब माफी मांगने से क्या होगा, कितना बड़ा पाप हो गया, घोड़ी भी मर गई और घोड़ी का बच्चा भी मर गया, दोनों मर गए। उसको तो लगा ऐसे जीने में क्या अर्थ है, अपन ने 12 साल तपश्चर्या में बिताए, 12 साल प्रतीक्षा में बिताए और 12 साल के बाद आए तो आए इतना गुस्सा लेकर, इतना डाउट लेकर, ऐसे पति के साथ क्या तो संसार करना और क्या तो रहना। वो तो ऊपर गई और जा करके गले को फांसी लगा ली उसने। दो जीव मेरे कारण से मर गए, घोड़ी मर गई, घोड़े का बच्चा मर गया, और मुझे जिंदा रहने का क्या हक है। उसने गले में फांसी लगा दी। अब इसको लगा सेठानी ऊपर गई, अब तक नीचे क्यों नहीं आई। उसने देखा अरे सेठानी तो लटक रही है, उसने तो फांसी ले ली। ओहो मैंने इतना गुस्सा किया तो मेरी सेठानी भी मर गई, अब मुझे जिंदा रहने का क्या हक है। तो सेठ ने भी जाके क्या कर ली, दूसरी फांसी लगा ली। अब महाराज साहब देखते हैं कि ये साधु तुझे पंचायत करे बिना क्या अटका था। साधु को इतना पश्चाताप हो गया कि मेरे कारण से चार चार जीव, घोड़ा, घोड़े का बच्चा, पति और पत्नी, चार जीवों की हत्या हो गई। एक चीटी बचाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और चार चार सन्नी पंचेंद्री जीव की हत्या हो गई, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। वे अपने ठिकाने गए, उन्होंने जा करके आजीवन अन्न पानी का त्याग कर दिया। चार जीव मेरे कारण से मर गए हैं, अब मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लाख कोशिश लोगों ने करी किंतु उन्होंने पारणा नहीं किया और संथारा लेकर के उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। भगवानों जबान खरचना कहा, कितनी कैसे इसका विचार करना कितना जरूरी होता है। साधु की पोस्ट पे आने के बाद तो साधु को कितना संभल कर रहना चाहिए, कितना बचकर रहना चाहिए, ये समझने वाली बात है। हमारे पाप कौन से है, अभ्याख्यान याने कलंक देना और पैशुन्य याने चुगली लगाना, दोनों पापों से अपने आप को बचाने के लिए हमको वचन पुण्य कमाने की बहुत जरूरी है। वचन पुण्य कमाना है तो सवेरे उठकर भक्तामर का जाप करो, शाम को प्रतिक्रमण में पधारो, आपके द्वारा मिच्छामिदुकड़म निकलता जाता है, त्यू त्यू आपसे क्षमा याचना होती जाती है, आपका पुण्य बढ़ता जाता है। आप मंगल पाठ सुनाते हैं उसमें आपका पुण्य बढ़ता है, एक एक पाठ आपके मुंह से निकलता जाता है, लोगस नमुत्थुनम इच्छा कारणम तसोत्री, जिससे आपके पुण्य बढ़ते हैं। ज्ञानियों ने कहा है वचन का पुण्य बढ़ाना है तो स्तोत्र पाठ करो, अच्छे श्लोक और दोहे बोलो, प्रतिक्रमण करो, भक्तामर करो, कल्याण मंदिर का पाठ करो, जिससे आपका वचन पुण्य बढ़ता जाए, वचन की कमाई होती जाए। भगवानों कमाई के कई रास्ते हमारे ज्ञानियों ने हमको बताए हैं।